गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था 11.2 जो एक्सरसाइज है हमारी, उसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, सॉरी थ्री टाइप्स के। उसमें ट्रायंगल बनाना ही है। पहला है जब टू सम गिवन हो साइड्स का, सेकंड है डिफरेंस गिवन हो, और थर्ड है पैरामीटर गिवन हो। ठीक है, तो इन थ्री टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवाने थे। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये सम वाला लिखा है, टू साइड्स का सम आपको गिवन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ रफ डायग्राम। दिस इज अ रफ डायग्राम बी सी ए एंड दिस इज 3.6, दिस इज 60। ओके, सो ये 60 है, ये 3.6 है। नाउ लुक, आपको सबसे पहले ड्रॉ क्या करना है, बीसी करना है 3.6 का। बी सी 3.6, ओके। इसका ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर एंगल बनाना है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये एंगल बना दिया हमने 60 डिग्री, और इस एंगल को हमने आगे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स का जो सम गिवन है ना आपको, ये ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 4.8। यहां से पॉइंट बी से रख के और यहां पे कट करो, और ये 4.8 जो है ना इसे आपको यहां पे ज्वाइन कर देना है। इसको मैं अलग लाइन से जो कलर से ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, अब जो ये मैं यहाँ पे पॉइंट ले रही हूँ वाई। ठीक है, अब जो बी सी है, सॉरी वाई सी है, इसे ज्वाइन करना है आपको। इसके बाद जो वाई सी है ना, सी वाई जो है, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्ट लेना है। और परपेंडिकुलर बायसेक्ट कैसे लेते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक बार कट यहाँ से लगाया, एक कट यहाँ से, सिमिलरली एक कट यहाँ से लगाया और एक कट यहाँ से, और इसे ज्वाइन कर देना है आपको। सो ये परपेंडिकुलर बायसेक्ट है ना आपका। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ना, मीन्स ये परपेंडिकुलर बायसेक्ट जो बी वाई को कट करेगा जिस पॉइंट पर, वो आपका पॉइंट ए होगा, और उसको आपको यहाँ से ज्वाइन करना है। और जो ये ट्रायंगल मिलेगा आपको, ये ट्रायंगल आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ए बी सी। जो मैंने शेडेड कराया ना पार्ट, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए बी सी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले ड्रॉ बीसी, ठीक है, बीसी को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको बी पर एंगल 60 डिग्री बनाना है। 60 डिग्री बनाने के बाद आपको बी वाई बनाना है 4.8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये 4.8 सेंटीमीटर तक बनाना है। 4.8 सेंटीमीटर तक बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाई को ज्वाइन करना है सी से। फिर जो ये सी वाई है, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्ट लेना है, और परपेंडिकुलर बायसेक्ट लेने के बाद आपको ज्वाइन कर देना है ए से। ठीक है, सो इसका जस्टिफिकेशन स्टेप्स मैं लिखवा रही हूँ, रिमेनिंग के आपको सेल्फ करने हैं। सो एक के मैं लिखवा रही हूँ आपको। फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी इज इक्वल टू 3.6। सेकेंड ड्रॉ एन एंगल बी इज इक्वल टू 60 एंड कट एन आर्क फ्रॉम बी टू वाई, बी वाई इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप, जॉइन सी वाई एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ सी वाई एंड मीटिंग दिस बी वाई एट ए। मीन्स जो ये बाइसेक्टर है वो बी वाई को कहाँ पे मीट करता है, ए पे मीट करता है। फोर्थ स्टेप, जॉइन ए टू सी, वी गेट ट्रायंगल ए बी सी। ये इसके जस्टिफिकेशन स्टेप्स हैं। सो नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड ड्रॉ दिस डायग्राम एंड टेक। ओके,
यस स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको बेस ड्रॉ करना है। बेस बी सी 3.4 सेंटीमीटर का, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, बेस ड्रॉ करने के बाद 45 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे आप एंगल बनाते हो सेम ऐसे ही बनाना है। ये 60, ये 120 और ये हो गया 90 का। और 90 का और 0 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। अब ये जो आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया है, सेम इसी को आपको स्ट्रेट लाइन पीछे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बस एक ये चीज ध्यान देने की है, ये स्ट्रेट लाइन पीछे की तरफ बनेगी। अब आपको क्या करना है, कट लगाना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है, 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 का कट लगाना है। ये वाई है और इसे फिर से आपको ज्वाइन करना है सी से। कहाँ से ज्वाइन करना है, सी से ज्वाइन करना है। ये सी है, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेना है। जैसे आपने प्रीवियसली लिया था परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, सेम उसी मेथड से लेना है। मोर देन हाफ लेके एक कट यहाँ से लगाना है नीचे की तरफ, एक तरफ लगाना है ऊपर की तरफ। एंड सिमिलरली यहाँ से लगाना है, एक यहाँ से लगाना है। तो इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका जो बनेगा, ये यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा ना, इसको आपको ज्वाइन करना है यहाँ से। और जो ये ट्रायंगल बनेगा आपका, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा और ये पॉइंट ए बनेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा बस इसमें एक ही चीज सीखने की है, वो क्या है, एंगल जो 45 डिग्री का बनाना है ना आपको, यहाँ पे जो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, इसी के स्ट्रेट लाइन आपको पीछे बनानी है। और वहां पीछे की तरफ पॉइंट बी से पीछे की तरफ आपको 1.5 कट करना है। उसके बाद इस पॉइंट को ज्वाइन करना है अनादर्स एंड पॉइंट से और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेना है। और बाइसेक्ट लेने के बाद इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 11.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लीव करना है, ये नहीं करना है, आपका सिलेबस से हट चुका है ये वाला पार्ट। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं। सो डू ऑल क्वेश्चंस एंड मैं जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वर्कशीट दूंगी वो भी करनी है आपको। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।